नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप देख पा रहे हैं ये 15 इंच एग्जास्ट मोटर है जिसका बैरिंग जाम हो चुका है। अब घर पर ही आप बैरिंग कैसे चेंज करें, पहले मोटर को खोलिए, पॉइंट को चेक कीजिए। सर जी, पॉइंट चेक कर बताइए। सीरीज बोर्ड, एक सीरीज बोर्ड से पॉइंट चेक कीजिए। पहले बॉडी में करंट तो नहीं है, बॉडी करंट भी चेक करना। इसका मेन प्रॉब्लम है, बैरिंग जो है वो जाम हो चुका है। आप देख पा रहे हैं कि पॉइंट सभी ओके हैं और आप देख पा रहे हैं कि बैरिंग जाम हो चुका है, मोटर पूरी तरह से जाम है, घूम नहीं पा रहे हैं। अब आसान तरीक़ों से आपको हम लोग घर पर ही लॉकडाउन में घर पर ही कैसे बैठकर बनाएं। चलिए चलिए, आप देख पा रहे हैं आराम से मोटर को धीरे धीरे खोलिए। ध्यान रहे जो कॉइल है वो नुकसान ना हो। आप देख पा रहे हैं कि बैरिंग पूरी तरह से जाम हो चुका है, मोटर ठीक से घूम नहीं पा रहे हैं बैरिंग। इसमें से जो पीछे वाला बैरिंग है वो पूरी तरह से जाम हो चुका है। देखिए उसे खोलने का आसान तरीका फटाफट के अंदाज से। चलिए सर, फटाफट खोल कर चेंज कर दीजिए। आप देख पा रहे हैं पूरी तरह से ये जो पीछे वाला बैरिंग है वो जाम हो चुका है। इसे घर पर ही आसान तरीके से कैसे निकालें, ऐसे लोहा का एक टुकड़ा लीजिए और हथौड़ी से उसे बैरिंग पर वार कीजिए, चोट कीजिए। धीरे 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 बैरिंग, एक घर पर एक बैरिंग चेंज करने के लिए उसके बैरिंग निकालने वाला तो नहीं ले सकते हैं ना मशीन। ये सामने का बैरिंग है, साथ में इसे भी चेंज कर देते हैं। आपके पास बैरिंग ना हो तो इसमें ऑयल डालकर या मिट्टी का तेल डालकर इसे फ्री कर काम चलाने के लिए यूज कर सकते हैं। मिट्टी का तेल डालने से बैरिंग आवाज़ को देंगे पर काम चल जाएगा अपने लिए। हमारे पास नया बैरिंग है, हम उसे इंस्टॉल कर देते हैं। अच्छा होगा यदि हम इसे सॉफ्ट टम यूज करें। सबसे पहले सॉफ्ट टम पर बैठा दीजिए आगे पीछे, उसके बाद कवर को पैक कर लें। सेट करते समय होल का मिलान कर लें। अच्छे तरीके से ताकि टाइट करने के लिए कोई दिक्कत ना हो टाइट करते समय। अच्छे तरीके से पहले पीछे का कवर को सेट कर लें, फिर उसमें रोटर लगाएं। फिर सामने का कवर लगाते समय होल का मिलान कर लें ताकि स्टेटर राड लगाते समय कोई प्रॉब्लम दिक्कत ना हो।
सभी पार्टों को लगाते समय वाइंडिंग को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है ताकि अब एकाध स्टेटर राट से हल्का मिलान कर लें, कम से कम दो स्टेटर राट। अब उसे अच्छे तरीके से हथौड़ी से ठोक कर बैठा लें। देख पा रहे हैं पूरी तरह से मोटर फ्री हो गए हैं, मोटर फ्री हो गए हैं। देख पा रहे हैं कंडेंसर पूरी तरह से अच्छे चलने लायक हैं। अब आप देखेंगे कनेक्शन, कंडेंसर के कनेक्शन को कैसे करते हैं मोटर में। एक बाहर का तार, एक अंदर का तार, एक रनिंग एक स्टार्टिंग आपस में जोड़ देते हैं। उसके बाद एक रनिंग एक स्टार्टिंग को कंडेंसर के साथ जोड़ दें। उसके बाद रनिंग रनिंग जो बाहर का तार है उसमें मेन लाइन को जोड़ते हैं। एक वायर कंडेंसर का बचे, अब देख पा रहे हैं करंट नहीं आ रहा है और मोटर अच्छी तरीके से काम कर रहा है।